नमस्कार, मैं शालू बत्रा। आज हम पर्पल के दर्शकों के लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। आज हम आपको बता दें कि स्वयंसेवी संस्था दिशा सिरसा में आज एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव के मशहूर डॉक्टर मरीजों की जांच करने के लिए यहां पर आए थे। ये शिविर बिल्कुल निशुल्क है और आज हम इसको आपको बता दें कि यहां पर एक वैन भी, मेडिकल वैन भी लेके आए हैं, जिसमें कि कैंसर के मरीजों की प्रारंभिक जांच किस प्रकार से की जाती है वो आज हम आपको बताएंगे। और आज हमारे मशहूर डॉक्टर जो गुड़गांव से आए हुए हैं, आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे और आपको बताते हैं कि कैंसर के मरीजों की प्रारंभिक जाँच किस तरह से की जाती है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर कृष्ण सोनी जी से, जो कि मैमोग्राफी स्पेशलिस्ट हैं और ये कैंसर डिटेक्शन वैन है। आइए हम डॉक्टर से जानते हैं कि ये मैमोग्राफी यानी कि कैंसर की प्रारंभिक जांच किस प्रकार से की जाती है। मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीन करने के लिए होता है, तो मोर देन 40 ईयर एज किसी भी फीमेल को मैमोग्राफी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है। अर्ली स्टेज में अगर यंग एज में है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जो हर फीमेल को बीमारी होती है मोर देन 40 होती है, और स्क्रीन कराने से डिटेक्शन हो जाएगा तो कैंसर का जल्दी इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब बताइए। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार हतवाल आर्टिमिस हॉस्पिटल से हूँ। तो बेसिकली डॉक्टर साहब ने बताया वैसे बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग गाइडलाइन तो इसमें क्या होता है कि अबव 40 से अगर नीचे होता तो उसके लिए हम सोनोग्राफी रिकमेंड करते हैं, और मैमोग्राफी के लिए अगर पेशेंट को हिस्ट्री होती है, सिस्ट होता, बेनाइन ट्यूमर है, कुछ भी है इस तरह का, तो उसके बाद 40 के बाद ही जो है ना मैमोग्राफी रिकमेंड करते हैं। और ये आर्टिमिस हॉस्पिटल ने इनिशिएटिव लिया है कि हर एक स्टेट में जाके जो है ना मैमोग्राफी के जितने भी कुछ केसेस अगर आते हैं तो उनका टाइम पे उनका पता लग सके, जिससे कि जो आगे ट्रीटमेंट लेने में उनको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सर। वेलकम।